जी हाँ, मैं व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये सब मेरे दीवाने हैं। मैं गूगल, गूगल नाम है मेरा। मैं वह जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। इस फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। इस नादिस को ट्विटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विटर। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार, कोई मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं मैंने ही तो युवाओं को पागल करके रखा हुआ है। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मेरे ही वजह से तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है, मैं दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी ये सारी दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी। चलो दोस्तों, इस प्रोग्राम द्वारा करवाने क्या पागल बने बेटी? दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो, दिन भर चैटिंग चैटिंग, बस चैटिंग। इस लड़की का दिमाग खराब करके रखा है सोशल मीडिया ने। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मम्मा, आप क्या जाने? इस कमरे में बैठे बैठे आदमी पूरी दुनिया से मिल सकता है, बात कर सकता है। ये मोबाइल नहीं, दुनिया की खिड़की है। खिड़की क्यों हाथ होकर मेरे बेटे के पीछे पड़ी होती हो? नया जमाना है, नए जमाने की लड़की है। वो कुछ गलत काम नहीं करेगी, वो मेरी बेटी है, मेरी। आप दोनों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता है। थैंक यू पापा। ओ, मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। ओ माय गॉड, मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली। मेरा क्यों सर्वर बात कर दिया? नादान लड़की, तुम मेरी जान से पूरी तरह से फंस चुकी हो। भगवान का नाम मत लो। जहाँ मैं होता हूँ भगवान नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरी शिकार बन चुकी हो। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, सुना था। नहीं नहीं कॉकरोच, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो सो जाओ। देखिए, घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग करने के कारण आज उसकी ऐसी स्थिति हुई है। अब उसे आपकी जरूरत है, आपके अपनेपन की। आप अपना ज्यादा से समय उसे दें और उसे चिंतित करें अपने रियल फ्रेंड्स के साथ रहने की। जल्द ही ठीक से मालूम हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। देखा दोस्तों, किस तरह से स्पेशली यूथ हमारे कब्जे में है। एक दिन ये वास्तविक दुनिया मिट जाएगी।